कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रोज़ डे स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को लाइक है मैंने 100 लाइक एम रखा है, प्लीज़ यार पूरा कर देना, 100 लाइक पूरा कर देना। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एलाइट मोशन ऐप को यहाँ पर ओपन करना है। एलाइट मोशन ऐप को यहाँ पर ओपन करने के बाद सिंपली आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी साइज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जितनी भी आप यहाँ पर साइज़ रखना चाहते हो। तो मैं 9.60 इसकी जो रेजोल्यूशन है वो रखना चाहता हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको प्लस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपके जिस भी फोल्डर में यहाँ पर आपको फोटोज़ रहेगी, उस फोल्डर को आपको पहले तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फोल्डर को सेलेक्ट करके यहाँ पर फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर को सेलेक्ट करना सिंपली आपको यहाँ पर फोटो को ऐड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर फोटो को ऐड करने और सिंपली आपको फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने बाद आपको यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करना है और फिल कंप्रेसर ये करना है। फिल कंप्रेसर ये करने बाद हमारा जो फोटो है वो ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। इतना करने बाद आपको फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आना फिर से आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाकर आप यहाँ पर ऑडियो को ऐड कर लेना है। तो ऑडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको सिंपली ऑडियो को ऐड कर लेना है। तो पहले मैं यहाँ पर ऑडियो ऐड नहीं कर रहा, आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इतना करने फिर से ऑडियो को ऐड करने जो फोटो की जो साइज़ इसको आपको बढ़ा देना है। तो यहाँ पर मैं फोटो की साइज़ को बढ़ा देता हूँ आपके सामने देख। तो आपको यहाँ पर फोटो की साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। जितना सेकेंड का आपका ऑडियो रहेगा उतना सेकेंड का आपको यहाँ पर फोटो को कर लेना है। इतना करने आपको फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक करने आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने आपको एड इफेक्ट में जाना है। एड इफेक्ट में जाने आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने आपको मूवमेंट ट्रांजिशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म का यहाँ पर आने आपको जो ऑस लाइट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। ऑस लाइट पर क्लिक करने आपको स्टैंड सेटिंग पर क्लिक करना है। स्टैंड सेटिंग पर क्लिक करने बाद जो एंगल है इसको आपको इंक्रीज करके बिल्कुल जीरो कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज करके इसको जीरो कर लेता हूँ। आपको सिंपली जीरो कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसको जीरो कर लेना है। जीरो करने बाद जो ये इसको आपको यहाँ पर 50 कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज़ करके इसको भी यहाँ पर 50 कर लेता। फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पर 50 करना है। तो यहाँ पर मैं 50 कर लेता हूँ। आपको भी यहाँ पर 50 कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 50 कर लेना है। 50 करने के बाद जो आपको जो मैग्नेट ये नीचे आपको देख रहा है मैग्नीट्यूड लिखा है इसको आपको इंक्रीज़ करके यहाँ पर आपको 15 कर लेना है इसको। तो आपको यहाँ पर इंक्रीज़ करके यहाँ पर 20 कर लेना है। 20 इतना करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद हमारा जो फोटो है आप देख सकते हो किस तरह से मूव होने लगा है, आप देख सकते हो स्लाइड होने लगा है। तो इतना करने आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया में जाना है। मीडिया में जाना आपको जो ब्लैक PNG है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो और ऑल माय डिटेल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके इस PNG को यहाँ पर ऐड करना है। ब्लैक PNG को ऐड करना है। आपको मूव एंड ट्रांजिशन में जाके आपको सिंपली इसको नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करने के बाद इसकी जो साइज़ को आपको इंक्रीज़ कर लेना है। थोड़ा सा इंक्रीज़ करके थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्लैक टाइप का यहाँ पर कर लेना है। इतना करने फिर से आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद जो ये हैप्पी रोज डे की जो PNG इसको यहाँ पर ऐड करना है। तो मूवमेंट ट्रांजिशन में जाके इसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको जो वीडियो के एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद जो दोनों लेयर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। दोनों लेयर को सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ तक आपको इतना कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको जो ऊपर जो वीडियो हमारी ना वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।